ऑल राइट फ्रेंड, बहुत ज़्यादा दोस्तों के मेरे पास मैसेज आए हैं और ये कह रहे हैं कि उन लोगों को जो एंकल क्लिकिंग है या फिर एंकल की जो पेन है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे उनसे खड़ा होना या फिर ज़्यादा देर बैठना या फिर ज़्यादा देर खड़े होकर रहना मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरे हाथ में ये बॉल देख रहे होंगे, इसकी मदद से हम एक पॉस्चर परफॉर्म करने लगे हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल योगा भी THB में मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक पॉस्चर करके परफॉर्म करने लगा हूँ। आप इस तरीके से, आप अगर दीवार के साथ सहारा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से अपने कोई बॉल रख लीजिए, टेनिस बॉल आप रख सकते हैं, और एक पाँव को आपने इस तरीके से बिछा देना है और एक पाँव को आपने इस तरीके से ऐसे रखना है अपने दो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू शुरू में इसको कंट्रोल करना और फिर बॉल को भी ना हिलने देना। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, आप अपने बाकी जिस्म को रिलैक्स रखिएगा। आप इसको 3 से 5 दफ़ा कर सकते हैं और फिर इसी तरीके से अगर आपके लेफ्ट साइड पे ये प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड पे भी आप सेम इसी तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इसी पोजिशन में ऐसे, ठीक है। सो आपकी जितनी मूवमेंट होगी, मोबिलिटी होगी, आपके इस एरिया में होगी। आप अर्थराइटिस से भी अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस अर्थराइटिस का प्रॉब्लम ना हो तो आप वैसे भी इसको दिन में 3 दफ़ा कर सकते हैं या 1-1 मिनट के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखिएगा आपको कितनी जल्दी से फ़र्क आना महसूस शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और आप भी इस तरह की और बहुत सारा वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब चैनल योगा विद THP या फिर फेसबुक पेज योगा.vid.THP को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।